नमस्कार, मैं दिव्यांशु और KIA में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावों का आगाज हो चुका है। तकरीबन 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और फिरोजाबाद की बात की जाए तो फिरोजाबाद में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं। तो सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार कर चुकी हैं, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से फिरोजाबाद के जो प्रत्याशी हैं बबलू सिंह गोल्डी जी, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे ही कुछ बातें करते हैं। बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है KIA में। देखिए, जो KIA जो आपका चैनल है, पहले मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कोविड जैसे महामारी में भी, तो उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और रही बात, बिगुल तो बच चुका है, जो भी आप चैनलों से कल निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि 7 चरणों में चुनाव होगा और फिरोजाबाद का चुनाव तीसरे चरण में 20 फरवरी को होना है। तो हम सब लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की अपनी नियमावली है जिसके तहत अधिक से अधिक लोग नहीं जा सकते, भीड़ नहीं कर सकते। तो हम डोर टू डोर जितना जो उनका मानक है उसका फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा कानून में आस्था रखने वाली पार्टी है और जो चुनाव आयोग का आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं। जो अभी फिरोजाबाद की जनता के बीच में जा रहे हैं आप, आपके मैनिफेस्टो क्या क्या हैं जिससे आप फिरोजाबाद की जनता को आप डाइवर्ट कर सकते हैं, फिरोजाबाद की जनता से आप मतलब वोट मांग सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैनिफेस्टो तो आप पहले भी जानते हो कि माननीय बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है जिसको आज भी जनता याद करती है, जिसमें जिस तरीके से आप देखेंगे कि माननीय बहन जी के जो भी 4 बार की सरकार रही है उस सरकार में कहीं भी किसी के तरह का कोई दंगा, जबकि बहुत बड़े बड़े निर्णय आए, आपके जो राम मंदिर का मामला था वो भी बहन जी के ही शासनकाल में आया, लेकिन आपने देखा वो किसी तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले माननीय बहन जी का जो कार्य प्रक्रिया रही है उसको देखते हुए जनता आज भी याद करती है। और फिर आप देखते ही हो, क्योंकि आप तो हर जगह जा रहे हो, बीजेपी से जनता बहुत त्राहिमान हो गई है। जिस तरीके से बीजेपी ने झूठे वादे करते हुए जनता को ठगा है, जनता के साथ छल किया है, जनता को मतलब इस कगार पे बेरोजगारी को ला के रख दिया कि आप देखेंगे कि GDP 24 पॉइंट कुछ माइनस में चली गई, जबकि ऐसा कभी आज़ादी से लेके अब तक नहीं हुआ। तो ये तो जनता बिल्कुल ही इतना परेशान हो गई है कि वो बीजेपी को पसंद नहीं करना चाहती है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री होगी, जनता फिर उत्तर प्रदेश में अपने आप को खुशहाल व सुरक्षित महसूस करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बबलू जी, 11 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी की आई थी, तो इस बार क्या अनुमान है कि कितनी सीटें आप लोग ला रहे हैं? क्योंकि पिछले बार का चुनाव देखा जाए तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा खास नहीं रहा था। देखिए, ऐसा पिछली बार को अगर आप देखेंगे तो इसमें बीजेपी द्वारा जिस तरीके से जनता के साथ छल किया गया, जिस तरीके से जनता को गुमराह किया गया कि 15 लाख खाते में आएंगे आप लोगों को, मतलब यानी कि प्रत्येक आदमी को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो जनता लालच में आ गई। जनता को जब ये एहसास हुआ कि ये ठगी हुए धोखा परस्त सरकार है, तो उसको देखते हुए सरकार को आज जनता को पश्चाताप हो रहा है और जनता उसी तरीके से वोटिंग करेगी कि ईश्वर बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे और हम सरकार बनाएंगे। बबलू जी, जातिगत चुनाव की बात की जाए तो आप राठौर समाज से हैं और सारा राठौर समाज का फिरोजाबाद के वोट की बात की जाए तो वो बीजेपी को जाता था, तो अब आपको क्या लगता है कि वो राठौर समाज का वोट आपकी तरफ डाइवर्ट होगा? देखिए, आप देखते हैं कि ये जो राजनीति है वो जातिगत है, और जिसमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से मुझे माननीय बहन जी ने एक राठौर समाज के व्यक्ति को जो सम्मान देने का काम किया है, आज़ादी से लेके अब तक किसी भी पार्टी ने फिरोजाबाद विधानसभा से आज तक किसी को टिकट नहीं दी। और आप देखेंगे, जब टिकट नहीं दी तो बहुजन समाज पार्टी को जब माननीय बहन जी ने हम पर विश्वास जताया है, तो राठौर समाज का एक एक वोट हमको मिलेगा, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि अगर हमारा अपना विधायक होगा तो हमारे समाज को, हमको और हमारे लोगों को सुनेगा और समझेगा, हमारे जो समाज का गौरव है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम। तो इसलिए समाज का वोट तो टोटल हमको मिलेगा। और राठौर समाज में आप देखेंगे, डेविड के जरिए आप जाएं तो राठौर समाज के अंदर वो उत्साह है कि राठौर समाज तो अब किसी की सुनने को तैयार है ही नहीं, टोटल वोट बहुजन समाज पार्टी को करेगा, बबलू सिंह राठौर को करेगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा इस बार।
देखा गया है कि सभी पार्टियां प्रचार भी कर रही हैं, अपने वादे भी कर रही हैं। आप चाहे बीजेपी की बात की जाए तो अभी बिजली भी, जो आम जनता जो परेशान थी, बिजली की यूनिट भी 3 रुपये पर यूनिट करने का वादा कर दिया है, और साथ ही साथ किसानों की जो बिजली है वो भी मुफ्त में कर दी गई है। इधर अखिलेश यादव भी अब कह रहे हैं कि किसानों की बिजली हम कुछ यूनिट तक माफ़ करेंगे या हम यूनिट माफ़ करेंगे। तो आपको क्या क्या आपके आगे के वादे होंगे जो आपकी अगर सरकार बनती है तो उनको किया जाएगा? देखिए, हम वादों में नहीं, काम करने में विश्वास करते हैं। जब हम काम करेंगे तो देखेगा, आपने देखा होगा माननीय बहन जी के द्वारा जितने भी कार्य किए गए उसका रिकॉर्ड आज तक दोनों सरकारें नहीं तोड़ पाई, ना तो अखिलेश जी तोड़ पाए ना ही योगी जी तोड़ पाए। सबसे पहले आप देखिए, इतना बड़ा हाईवे गंगा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस माननीय बहन जी द्वारा निर्मित किए जाने के जारी किए गए। उसके बाद में आप देखेंगे स्कूल कॉलेज, जिसकी आज बीजेपी सरकार ने शिक्षा के स्तर का बिल्कुल खत्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा स्तर को बिल्कुल खत्म कर दिया था, आज आप देखिए उस स्तर को पुनः बहाल किया जाएगा, शिक्षा का विकास होगा, नए स्कूल निर्माण कार्य किए जाएंगे, नए तरीके से उत्तर प्रदेश को डेवलप किया जाएगा। इनके द्वारा जो उत्तर प्रदेश को एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया है उसको पुनः हम लोग बसाने का काम करेंगे। जो भी है वो माननीय बहन जी वादों में विश्वास नहीं करती हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से फिरोजाबाद प्रत्याशी बबलू सिंह गोल्डी जी। कल फिर मुलाकात होगी नए कैंडिडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड।